Hello and welcome to Homeopathic Medicine World. I am Viraj Goel and we will take a new GI system medicine, carbo vegetables. तो इंट्रोडक्शन देते हैं वेजिटेबल चारकोल और वोट चारकोल, ये इसका सिनोनिम है और इसमें से ये कार्बो वेजिटेबल्स मेडिसिन बनती है। तो कार्बोवेज की मेन एक्शन है जीआई ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और कैपिलरी वेनस सिस्टम के ऊपर, यानी कि इसकी डायथेसिस है, हेमरेजिक डायथेसिस, इसको जल्द से जल्द ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा। वोट पेशेंट है, मीन्स इंटरनल हीटनेस है इस पेशेंट में। एंटीसोरिक मेडिसिन है। अब देखते हैं कार्बोवेज के पेशेंट कंप्लेंट कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से इसका कोज क्या है कार्बोवेज के पेशेंट कंप्लेंट्स का। तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, वाइटल फ्लूइड में ऐसे में कई सारे होते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, ब्लड फ्लूइड होता है, सीएसएफ फ्लूइड होता है, कई सारे फ्लूइड होते हैं, वाटर होता है और स्पर्म फ्लूइड होता है। इन सब में से किसी एक की भी लॉस होता है तो हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में इफेक्ट आती है। तो कोई भी फ्लूइड लॉस हुआ हो तो उसकी वजह से इफेक्ट आती है। और इसमें कार्बोवेज में लॉस ऑफ फ्लूइड का मतलब लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड लॉस की वजह से इसमें कंप्लेंट शुरू होती है। फिर सॉल्ट है, सप्रेस्ड फीवर है, लॉन्ग टर्म एगो फीवर हुआ उसका सप्रेस क्यों है, डिप्थेरिया हो, डेंगू हो, फिर मलेरिया हो, वो फीवर को हमने एलोपैथिक मेडिसिन लेकर सप्रेस किया और उसके बाद जो इफेक्ट आती है तब हम कार्बोवेज का उपयोग कर सकते हैं। फिर बैड इफेक्ट ऑफ इंजरी लॉन्ग आफ्टर, पहले कभी कोई भी इंजरी हुई हो उसको क्योर किया, फिर उसके साल बाद या महीनों बाद फिर से उसकी इफेक्ट आए उसी इंजरी की साइड इफेक्ट, तो हम कार्बोवेज इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स, जो कि हमें पेशेंट, हम क्लिनिक में बैठते हैं और तभी हमें जब थेरापिटिकली मेडिसिन चूज करनी होती है इंस्टेंट, तो क्लिनिकली पेशेंट में से हम कैसे ढूंढते हैं इस मेडिसिन को। क्लिनिकल सिम्टम में हम सबसे पहले शुरू करते हैं जीआई सिस्टम, और अब जीआई सिस्टम का कोज क्या है, मीन्स सबका कोज कार्बोवेज में एक ही है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। तो वाइटल फ्लूइड जीआई सिस्टम के द्वारा कहाँ से होता है, क्योंकि वो है डायरिया के द्वारा। पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आया डायरिया लेके, डायरिया कैसे, इनवॉलेंट्री स्टूल, कैडोरस ऑल्डर, वो फ्रिक्वेंटली जा रहा है और वो कैडोरस ऑर्डर है स्टूल का, स्टूल वॉइडेड विथ मच डिफिकल्टी और पेनफुल। तो ये पेशेंट कहे मैं मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, स्टूल एकदम सॉफ्ट है फिर भी मुझे बहुत ही पेन होता है, और डायरिया इतना जाना पड़ता है मैं खुद एग्जॉस्ट हो गया हूँ, अंदर से पानी की कमी हो गई, मीन्स वाइटल फ्लूइड लॉस हो गया, अंदर से पानी कम हो गया। अब ये पानी कम हो गया, वाइटल फ्लूइड लॉस हो गया, तो उसकी वजह से उसको स्वेटिंग होगी, कोल्ड स्वेट होगा, कोल्ड स्किन हो जाएगी, और अगर ज़्यादा हो गया तो उसको एग्जॉस्ट हो जाएगी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स एग्जॉस्ट हो गए तो वहाँ से हेमरेज भी शुरू हो सकता है, और हेमरेज शुरू हो गया वो पैसिव हेमरेज होगा, तो फिर हमें उसकी स्किन ब्लूइश या साइनोस्ट मिलेगी। तो हम अभी जीआई सिस्टम से वन बाय वन में सिम्टम हमको समझाता जाऊंगा और कहता जाऊंगा, तो आप सुनते रहिए। फर्स्ट वीक डाइजेशन, सिंपल फूड डिसएग्री कॉजिंग एक्सेसिव फ्लैटुलेंस, मीन्स कोई भी खिचड़ी जैसा सिंपल से सिंपल फूड होगा उसको, उससे भी उसको गैस बनेगी पेट में, और गैस कहाँ की होगी, कार्बोवेज हमेशा अपर एब्डोमेन की मेडिसिन है, वहाँ पे उसको गैस बनेगी, बस्टिंग पेन होगा अपर एब्डोमेन में, एब्डोमेन फुल ऑफ बस्टिंग पॉइंट ऑन अपर पार्ट, वर्स फ्रॉम ईटिंग रिच फूड बटर एंड मिल्क, मीन्स इसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम कब होगी, जब वो मिल्क बटर या रिच फूड, यानी जो फूड डाइजेस्ट होने में ज़्यादा वक्त होगा या हार्ड हो, ऐसे रिच फूड उसको डाइजेशन में तकलीफ होगी इस पेशेंट को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि इसकी डाइजेशन ही वीक है। फिर आते हैं वर्स फ्रॉम ईटिंग रिच फूड बटर एंड मिल्क, रिलीफ फ्रॉम इरेक्टेशन,
एंड ऑन पासिंग फ्लैटर्स। तो ये करेक्टरिस्टिक है कार्बोवेज का। इस कार्बोवेज के पेशेंट को गैस है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है की कंप्लेन है, वो उसको इरेक्टेशन यानी कि ओड़कार इरेक्टेशन करेगा तब उसको अच्छा लगे। और पासिंग फ्लैटर्स यानी कि वो गैस निकालेगा उससे भी उसको रिलीफ मिलेगा। ये दोनों इसकी पिक्यूलर सिम्टम है जो कि हमें कार्बोवेज पेशेंट में मिलती है और तभी हम कार्बोवेज प्रेशर बढ़ सकते हैं। फिर आता है वॉन्स टू फैनिंग रैपिडली एंड क्लोज डिस्टेंस, ये भी पिक्यूलर सिम्टम है। वॉन्स फैनिंग रैपिडली एंड क्लोज डिस्टेंस, ये आपने कई लोगों में देखा होगा कि वो सोते समय या खाना खाने के बाद जब उसका पेट फूल जाता है गैस के, तो वो अपने क्लोथ लूज कर देता है ताकि उसके ऊपर प्रेशर ना आए, क्लोथ के पेट खुला रहे और वो फैन भी फुल जितना फुल हो सके उतना फुल फैनिंग करके अपना पास फैनिंग रखेंगे ताकि सभी हवा फैन की उसके पास है, वो उसको एयर डिजायर होता है। लेकिन पल्सेटिवल का जैसे ओपन एयर डिजायर नहीं, जो फैनिंग का फैनिंग की हवा है वो उसको चाहिए, सभी फैन है जो वो अपने अपने पास ही पूरा रखे ताकि सभी हवा उसके पास है फैन की। इसका मतलब वॉन्ट टू फैनिंग रैपिडली एंड क्लोज डिस्टेंस, लूजिंग क्लोज एंड अराउंड एब्डोमेन, कॉन्स्टेंट शोर इरेक्टेशन। तो अभी आते हैं डायरिया में, फ्रीक्वेंट इन्वॉलंटरी एडवर्स ऑर्डर एंड पेनफुल डायरिया, सॉफ्ट स्टूल वॉइडेड विथ डिफिकल्टी। अब हमने डायरिया देख लिया, इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक डिस्टर्बेंस वो भी देख लिया। अब इसकी डायरिया हो गया तो वाटर फ्लूइड लॉस हो गया। अब जेआईटी में जब वाटर फ्लूइड लॉस होता है तो उसकी वजह से कंडीशन आती है कोलैप्स कंडीशन, और वो कोलेरा में चला जाता है। तो कोलैप्स स्टेज ऑफ कोलेरा, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड। अब हमारे लास्ट स्टेड है होम्योपैथी का, सबसे बेस्ट लास्ट स्टेड है, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर कोल्ड स्वेट, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, कोल्ड ब्रीथ आइडेंटिफाइड। यानी कि जब पेशेंट मरने वाला होता है, कोमा में होता है, तब उसको तब उसके पैर हाथ सिर स्किन सब कुछ कोल्ड हो जाता है, उसको परस्पिरेशन होती है वो भी कोल्ड होती है, टंग सब कुछ कोल्ड हो जाता है बिना बिना ठंडे वातावरण के। तब हम कार्बोवेज दे सकते हैं उसको बचाने के लिए, इट इज होम्योपैथिक लास्ट एड। अब आगे देखते हैं इसके हम सीवीएस में इसकी क्या एक्शन है, यानी कि स्किन पे और ब्लड वेसल्स में, पेशी कैपिलरी ब्लीडिंग, रिलैक्सेशन ऑफ कैपिलरी वेसल्स रिलैक्स हो जाती है, इसीलिए इसको हेमरेज ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कॉन्स्टेंट लूजिंग ऑफ डार्क ब्लड, कहीं भी जरा से भी पेन लग जाएगी तब भी उसको इतना बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलने लगेगा, वो भी डार्क ब्लड वेनस का है, इसलिए रिलीव बाय फैनिंग। साइनस और इकामस स्किन जहाँ पे उसको लगा है वहाँ पे और उसके आजू बाजू के एरिया में, वहाँ पे इकामस और साइनस स्किन मीन्स ब्लू स्किन हो जाएगी। सेना गैंग्रेन विच ब्लीड इजीली, वेरिकोस अल्सर ड्यू टू फीवर सर्कुलेशन, ये दोनों थेराबेटिक में हमें मिलते हैं। गैंग्रीन जिसको भी गैंग्रीन हुआ है, डायबिटिक पर्सन है या फिर डायबिटिक ना हो तो भी इसको गैंग्रीन हुआ है, वो गैंग्रीन बहुत ही ज़्यादा ब्लीड करेगा, डार्क ब्लड होगा और ऑफेंसिव स्मेल होगी, कैडेवरस होगा। फिर वेरिकोस अल्सर में भी ऐसे होगा। तो हमने देखा कार्बोवेज हमें तीन जगह पे यूज़ करते हैं, एक अपर एब्डोमेन जहाँ पे डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस है डायरिया है, दूसरी है कोलैप्स कंडीशन, डायरिया के साथ आती है कोलैप्स कंडीशन। कोल्ड स्वेट लास्ट स्टेड है होम्योपैथी का, कोल्ड स्वेट कोल्ड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज कोल्ड ब्रीथ। फिर आते हैं सीवीएस पे जहाँ पे कैपिलरी वेनस सिस्टम में असर करती है और पेशी ब्लीडिंग करती है, हेमरेजिक डायलिसिस है, इसलिए इसके गैंग्रीन और वेरिकोस अल्सर में भी ब्लीडिंग में कार्बोवेज में यूज में आती है। थोड़ी सी भी पिन भी चुपेगी तभी इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्लड यूज होगा वहाँ से। फिर आते स्किन पे तो जहाँ पे लगा नहीं भी होगा और वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ है सिर्फ कोलैप्स और कोलेरा की वजह, तब भी उसकी स्किन
ब्लूइश या ब्लैकिश हो जाएगी, सैंडविच या इकामोश। और इसमें मैंने थोड़े सिम्टम नहीं कहे पहले, जो कि एयरफॉल है, यहीं पे वाइटल फ्लूइड लॉस होने की वजह एग्जॉस्टेड होता है, एग्जॉस्टेड की वजह से इसको हेयर फॉलिंग भी कम्प्लेन आती है, स्कैल्प इचिंग की कम्प्लेन आती है, स्किन इचिंग की कम्प्लेन आती है। तो थैंक यू, आज हमने जीआईटी की तीसरी मेडिसिन कंप्लीट की इस सीरीज की। पहली थी हमारी वो पहले सोकोट्रिना, फिर आई एक्टिया रेजिमोस असिमिसेफिका, ये तीसरी कार्बोवेज। तो आगे हम लेके आएंगे नक्सोमी का। तो जो लोग नए वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।